नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, 16वीं सदी में विलियम शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था जिसका उन्वान था मच अडू अबाउट नथिंग। मच अडू अबाउट नथिंग। आज मुझे कोई कह रहा था कि विलियम शेक्सपियर ने जब 16वीं सदी में ये प्ले लिखा तो पाकिस्तान के बारे में वो सोच रहे थे। पाकिस्तान वैसे 20वीं सदी में बना, लेकिन अगर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, अदालती मुकदमे, फैसले, मुख्तलिफ किस्म के जो ओवरचर्स हैं यहाँ पर, जो एक साइड से दूसरी साइड पर चीज़ें जाती हैं, उसको आप देखें तो आपको महसूस होगा मच अडू अबाउट नथिंग। आज मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को उनका पासपोर्ट मिल गया, उन्होंने अब बरतानिया लंदन जाने का फैसला किया, जहाँ से वो कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब मुमकिन है इंशाल्लाह तौर पर उनके साथ वापस आएंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बहुत से सियासी हलकों का ख्याल है कि उस वक्त आएंगे जब पंजाब की हुकूमत गिरा दी जाएगी। और परवेज अलाई साहब लंदन में क्या करने के लिए हैं, ये भी एक मामला है। राणा सनाउल्ला साहब ने आज एक बहुत तवील मीटिंग की इंटीरियर मिनिस्ट्री की, इन कैमरा ऑन कैमरा, जिसमें यह फैसला किया गया कि लॉन्ग मार्च जो इमरान खान की होगी, इवन बता दिया गया कि कितने लोग होंगे उस लॉन्ग मार्च में। उन्होंने कहा कि 15 से 20 हज़ार लोग तवक्को हैं कि इस्लामाबाद का रुख इख्तियार करेंगे। कब करेंगे ये मालूम नहीं है, लेकिन राणा सनाउल्ला ने पूरी तैयारी कर ली है पुलिस, FC रेंजर, सिंध पुलिस की मदद से कि इमरान खान की लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देना। अगर ये खालिस्तन सियासी मूवमेंट्स हैं तो दूसरी तरफ भी बहुत इंटरेस्टिंग लीगल डेवलपमेंट्स हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने फैसला किया कि तहरीक इंसाफ की जो पिटिशन है नैब अमेंडमेंट्स के एक्ट के कानून के खिलाफ, उसकी डे टू डे हेयरिंग होगी। अगर एक तरफ यह है तो दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह ऑब्जर्वेशन रिमार्क भी दिए कि 62(1)(f) का जो कानून है जिसमें लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन की गई है, फैसल वाढ़ा का वो केस सुन रहे थे, ये बड़ा क्रूअल है, ये बड़ा जालिमाना है। अब याद रहे कि 62(1)(f) की जद में जहांगीर अली जहांगीर साहब, जहांगीर खान तरीन भी आते हैं और नवाज शरीफ साहब भी उसकी जद में आते हैं। तो एक स्टेज सेट हो रहा है मुख्तलिफ किस्म की डेवलपमेंट्स के लिए, एक सियासी बसात पाकिस्तान में जो है तब्दील हो रही है। ये किस डायरेक्शन में चीज़ें जाएंगी, क्या होगा, क्या नहीं हो पाएगा, इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब सैनेटर और अब्बास बप्पी साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं तहरीक इंसाफ साउथ पंजाब के। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मेरे साथ ही तशरीफ़ रखते हैं राणा एहसान अफसल खान साहब, PMLN के रहनुमा हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के मेंबर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं और मेंबर है सेंट्रल वर्किंग कमेटी के। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। एडवोकेट अबूजर सलमान खान नियाजी हमें एक वीडियो लिंक के जरिए लाहौर से ज्वाइन करेंगे। वंस अगेन आई विल से वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। अगर बात का आगाज करें सेंटर ऑन अब्बास साहब, राणा सनाउल्ला साहब ने आपकी लॉन्ग मार्च का नंबर भी उनको पता चल गए हैं, लीक हो गए उनको नंबर, और पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है और उसमें सिंध पुलिस भी इन्वॉल्व होगी, लेकिन लॉन्ग मार्च का आप लोगों ने अभी तक ऐलान ही नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ तो मैं उसी स्टेटमेंट को वहाँ ले जाता हूँ जो कि खान साहब ने कहा था कि जो राणा सनाउल्ला की तैयारी वो तो हमें पता है, जो हमारी तैयारी है उसको शायद करेंगे या पैराशूट करने लगे इस्लामाबाद में, क्या करें, जहाज़ों से आएंगे। डॉक्टर साहब एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो अवामी एक इनकलाब होता है ना, इसकी प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता। ये वो चीज़ें होती हैं जो प्रेडिक्शन या नंबर्स आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इससे पहले जब 25 मई को हम आए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। आप 27 किलोमीटर रेडियस इन्होंने ऐसे सील किया था कि पूरे पंजाब से मुल्तान से लेके इस्लामाबाद 500 किलोमीटर में एक बस हमारी मोटरवे के ऊपर नहीं चढ़ सकी थी, पूरा GT रोड बंद था। डू यू रियली थिंक कि जब पंजाब अभी भी तैयारी है ना उनकी, पंजाब हुकूमत गिराना चाह रहे हैं, पंजाब हुकूमत हमारी है और हुकूमत गिराना चाह रहे हैं आपकी हुकूमत, यही तो आपकी लॉन्ग मार्च से पहले हुकूमत गिरा रहे हैं, कह रहा हूं कि लॉन्ग मार्च हुकूमत गिरने से पहले होगा और इनकी सोच है वो कल हुकूमत गिरा रहे हैं आपकी सुबह से पहले। राणा सनाउल्ला सोचना पड़ेगा कि ये टूल प्लाजा जो मोटरवे है इससे आगे उसने रोकना किसने। और एक चीज है, ये 15-20 हज़ार की जो फिगर कह रहे हैं डॉक्टर साहब, सिर्फ अगर F6 F7 सेक्टर जो कि ब्लू एरिया रेड जोन के रहे, यहां से इतने लोग निकलने, इनका तो माइंड आउटसेट हो जाना। हम साउथ करना क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं चाहते, एक सिंपल इलेक्शन, फेयर एंड फेयर इलेक्शन और कुछ भी नहीं। और ये हमारा राइट है। आप लोग लोगों को निकाल के दुनिया को दिखा के क्या एक अपनी हमायत दिखा के आप डिमांड करना चाहते हैं कि साहब, हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो गवर्नमेंट बैठी है वो मैंडेट लेके नहीं आई, उसको चोरी शुदा मैंडेट के तहत किसी की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक यहाँ इस्लामाबाद में वहाँ पर बैठाया गया है। लोगों की ख्वाहिशात और हैं, और ये 17 जुलाई का जो बाय इलेक्शन था वो एक टेम्परेचर गेज था कि लोग क्या चाहते हैं। अवाम पाकिस्तान में चाहते हैं कि इस वक्त अगर कोई एक शख्स, अभी फिर होने लगे हैं बाय इलेक्शन, सब आप 10 बाय इलेक्शन रिजल्ट यही आएगा बिकॉज लोग बर्दाश्त कर, लोग हमारी मोहब्बत में शायद इतना ना आए, लोग अपनी तकलीफ की वजह से निकले,
जाएंगे। लोगों के साथ इस वक्त जो हो रहा है इनको तो अंदाजा नहीं, आटे का रेट अगर हम ये फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल के तौर खान साहब अगर आज रात को ये कहें कि कल सुबह लॉन्ग मार्च है तो फिर ये क्या करेंगे? रात को गवर्नमेंट गिर जाएगी पंजाब की, मैं कहता हूँ इतनी जल्दी गिर जाएगी? डॉक्टर साहब जिसने गिराना है उसने इतना नहीं गिराना, बकायदा अदम एतमाद लेके आनी है, उसमें प्रोसेस में टाइम लगेगा। जब तक प्रोसेस होगा उस वक्त क्या पता पुलिस किसकी बात मानेगी। डी चौक खान साहब बढ़ चुके हैं, पंजाब हुकूमत गिराने का मंसूबा मुकम्मल हो चुका है। देखिए मैं मेरे पास तो कोई ऐसी नॉलेज नहीं है कि ये फॉरन कोई होने लगा है, लेकिन ज़रूर अगर हुआ तो एक आईनी तरीके से होगा, और जब होगा तो किसी से ढका छुपा तो नहीं होगा। क्या होगा पंजाब आईनी तरीका यही होगा कि आपको अपनी स्ट्रेंथ जो है वो नंबर्स शो करने पड़ेंगे, इसके अलावा तो कोई और तरीका नहीं है। लेकिन जब होगा तो मेरे ख्याल से छुप छुपा के तो नहीं होगा। जिस तरह इनकी जो रिजर्व सीट्स पर पीटीआई के लोग हैं उनको बाज़ लोग रब्ता कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं, ऑफर्स भी कर रहे हैं, डरा धमका भी रहे हैं, यही चीज़ साउथ पंजाब में भी हो रही है, बताया नहीं सेनेटर साहब ने कि वहाँ पर भी। लेकिन देखिए ना, पीटीआई वाले अगर किसी और जमात को तो वोट डाल नहीं सकते, तो वो उनका वो तो अब वो रास्ता तो खत्म हो गया। तो अगर ये हुआ तो कोएलिशन के पार्टनर्स ही चेंज होंगे, तो वही एक तरीका है। कोएलिशन के पार्टनर्स चेंज होंगे, पीएमएलक्यू के लोग चेंज होंगे। देखें समझ तो यही आता है ना, रास्ता तो यही है, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कोई पार्टी मेंबर दूसरी पार्टी को वोट नहीं डाल सकता, पार्टी डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, तो इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है। जब भी हुआ आवाम के सामने होगा। और अच्छा अबूजर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, नियाजी साहब ने जी, अबूजर सलमान खान नियाजी चूंकि वकील हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, नियाजी साहब क्या ये जो राणा साहब कह रहे हैं कि पंजाब में जो कुछ भी होगा वो सिर्फ एक पार्टी अपनी लॉयल्टी चेंज कर सकती है, ऐसा नहीं हो सकता कि तहरीक इंसाफ के लोग दूसरी तरफ जा बैठे वहाँ वोट डाल दें, आप इससे एग्री करते हैं कि इस वक्त लीगल पोजिशन यहीं पर खड़ी है सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले के बाद? देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 63A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, जो डिफेक्टिंग मेंबर है उसका वोट जो है वो जो पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी की जो डायरेक्शन अगर उसके खिलाफ होगा तो वो वोट काउंट नहीं होगा। दैट मीन्स जो पीटीआई के जितने मेंबर्स हैं ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली और साथ जो रिजर्व सीट के मेंबर्स हैं दे कांट वोट अगेंस्ट द पार्टी लाइंस। तो अनटिल एंड अनलेस अगर पीएमएलएनक्यू जो है वो ही अगर खिलाफ वोट करती है तो दैट मीन्स देन द गवर्नमेंट इज इन ट्रबल, अदरवाइज द गवर्नमेंट इज सेफ एज फार एज द पीटीआई वोट इज कंसर्न्ड। यानी पीएमएलक्यू अपने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ करेगी कहीं? इसमें चौधरी शुजात हुसैन साहब ने जो एक पिटिशन डाली है इस लाहौर हाई कोर्ट में, ये उसकी तरफ इशारा है सूरत हाल का? मे बी अगर वो चौधरी शुजात हुसैन का जो ग्रीवियंस है अगर वो कोर्ट में रीड्रेस हो जाता है उनके हिसाब से जिस तरह का वो रिलीफ चाह रहे हैं, तो फिर भी पार्टी जो गवर्नमेंट है दैट विल बी अंडर अ थ्रेट। और इन केस मेरे ख्याल से ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इलॉजिकल सी बात होगी कि अपनी पार्टी का चीफ मिनिस्टर है तो हाउ कैन दे गो अगेंस्ट द देयर ओन चीफ मिनिस्टर। सो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन। मुझे नहीं समझ आ रही कि किस तरह रास्ता निकलेगा फॉर पीएमएलएन के वो पंजाब गवर्नमेंट चेंज करे। मुझे कोई आईन में यही तरीका है जो मैंने आपको बता दिया, नंबर गेम है एट द एंड ऑफ द डे। पीटीआई तो वोट कर नहीं सकती और पीएमएलक्यू भी अगर अपने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जाती है तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन मुझे कुछ उसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट होती नजर नहीं। अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग लीगल पॉइंट, ये कैसे होगा? मतलब जी ये तो हो नहीं सकता। जरा रोके, परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर है तो यकीनन उनके 10 लोग हैं, हमारे 176 हैं, उनके 10 लोग हैं, टोटल 186 हो गए। ये तो हो नहीं सकता कि उनके अपने लोग उनके खिलाफ जाएं, उनको दोबारा क्यों नहीं हो सकता? अगर चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी मिल जाती है चीफ मिनिस्टर की पिटीशन की तरह, ऐसा नहीं होने लगा। जो हो रहा है, मैं चौधरी शुजात हुसैन की पिटीशन का क्या स्टेज है, फाइल हो जाएगी बिकॉज 10 के 10 मेंबरान ने ऑलरेडी परवेज इलाही को अपना लीडर मुंतखब कर दिया। जो हो रहा है और जो होने जा रहा है, जो कोशिश की जा रही है, वो ये है कि जो हमारे रिजर्व सीट्स के लोग हैं उनको ऑफर की जा रही है, इतने सम ऑफ मनी, इतना पैसा आपको दिया जाएगा, इसके बदले में जब आप और करना कि आपने सिर्फ एब्सटेन करना है। सो 10 या 15 प्रज्यूम किया जाता है कि 10 या 15-20 लोग उस दिन टर्न अप नहीं होते जिस दिन उन्होंने कॉन्फिडेंस का वोट लेना है, तो हमारे नंबर्स 186 नहीं होंगे, वो जाएंगे 165 या 174। इनके पास कितने हैं? इसके बदले में उनको पैसे मिलेंगे, वो वोट उनके लिए भी नहीं करेंगे, इसके बदले में उनको पैसे मिलेंगे, प्लस फ्यूचर में रिजर्व सीट पर दोबारा नॉमिनेट किया जाएगा। ये प्रोसेस किया जा रहा है कि जब दोबारा हुकूमत बनेगी उसमें तुम्हें दोबारा, अगर वो वोट डालेंगे ही नहीं तो वो फॉरेन नहीं होगा ना, सिर्फ हमारी पार्टी से निकाला जाएगा क्योंकि
अच्छा हमारी अच्छा, रेट क्या है इसका? रेट तो 5 करोड़ से शुरू हो और 20 करोड़ तक जा रहा जी। अच्छा 20 करोड़ तक। सर मुझे भी कोई दिलवाए सर कुछ इस तरह ये मैं भी उसमें शामिल होता है शायद मुझे क्लैरिटी साहब आपने भी उम्र जाया कर दी वकालत पढ़ने में और हमने मीडिया में देखे ये सारे मफरूजे ये पहली दफा बिल्कुल पहली दफा सुन नहीं रहे हर दफा ये जो है वो रट में अमरीका अमरीका से बोरियां आ रही हैं खरीदो फरोख्त होने के लिए फिर पता चलता है पूरी कहानी की क्या जरूरत है वो ये कह रहे थे ना जी अमरीका से बोरियां आ रही हैं यहाँ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब करने यहाँ बढ़े लेकिन ये हमेशा इनकी देखें यू हैव टू प्रूव दिस अगर कोई ऐसा हो रहा है मैं तो कह रहा हूँ कि कोई ऐसा प्लान ही पैसे का मामला नहीं नहीं मेरे ख्याल से नहीं मामला और मैं लोग क्यों चेंज करेंगे अपनी लॉयल्टीज मैंने तो आपको रास्ता बता दिया कि जो एक रास्ता जो समझ आता है वो कोएलिशन वाला है उसके अलावा नहीं है आपने बताया ना कि बड़ा मुश्किल है अच्छा देखिए नियाजी साहब राणा साहब बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं कोएलिशन वाला तरीका है ये क्या तरीका आपको समझ आ रहा है जो राणा साहब जिसकी तरफ हिंट कर रहे हैं देखें मेरे ख्याल से अगर कोएलिशन में तो एक ही पार्टी है उसके अलावा तो कोई पार्टी नहीं है या राणा साहब कानून की बात बता रहे हैं या उनको कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन है अगर इनसाइड इन्फॉर्मेशन है तो फिर कोएलिशन का अगर नाम ले रहे तो आई थिंक उनके पास कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन होगी जो कानूनी पोजीशन है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे एक चीज बात हो रही थी अब्सटेन करने की अब्सटेन करेंगे तो वो फिर भी सीट खाली नहीं होती सॉरी जब अब्सटेन करते हैं तो फिर भी डिफेक्शन आती है अगर अब आर्टिकल 63A पढ़े वो ये कहता है कि अगर पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ पार्लियामेंट्री पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ आप अब्सटेन करते हैं उसके वोट अगेंस्ट करते हैं तो डिफेक्शन का जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो जाता है और आप उसके बाद अपनी सीट से फारिग हो सकते हैं सो अब्सटेन पे भी पेनल्टी कम्स इनटू ऑपरेशन सो ये जरा क्लियर कर लें बात अच्छा नियाजी साहब परवेज अलाई साहब सीरियसली बरतानिया तशरीफ ले गए हैं और पहले कभी गए नहीं इलाज करवाने के लिए बरतानिया कुछ लोग कहते हैं कि वो फ्लड के लिए फंड इकट्ठे करने गए वो भी उन्होंने कभी किया जिंदगी में बरतानिया जाके पहले तो अगर वहाँ कुछ ऐसी मुलाकातें हों जिसके बाद परवेज अलाही अपने साथ PML इनको ले लेते हैं PTI को छोड़ देते हैं ऐसा हो सकता है कानूनी तौर जी बिल अगर देखें अगर परवेज अलाई साहब और साथ उनके जो मेंबर्स हैं PMLNQ के तो मेरे ख्याल से अगर वो चाहें तो फिर तो हुकूमत खत्म हो सकती है PTI के पास मेजॉरिटी तो नहीं है टू फॉर्म अ गवर्नमेंट तो काफली का जो वोट है एट एंड ऑफ द डे वही काउंट होगा वही इस्टेब्लिश करेगा कि गवर्नमेंट PMLN की बनी है PDM की बनी है आई मीन लेकिन हुकूमत किसकी खत्म होगी मतलब परवेज अलाई अपनी चीफ मिनिस्टरशिप खत्म कर देंगे नहीं परवेज अलाई तो चीफ मिनिस्टर है ना मतलब क्या वो चीफ मिनिस्टर रहते हुए PTI को फारिग करें PMLN के साथ ले लें ऐसा हो सकता है देखें कानूनी तौर पे तो पॉसिबल है लेकिन जो आप बात कर रहे हैं देन ही इज गिविंग अवे टू मच ना जी अपनी चीफ मिनिस्ट्री भी तो फारिग कर रहे हैं तो लीगली इट्स पॉसिबल कि परवेज अलाई साहब अपना अलहदा ब्लॉक बना के PDM में चले जाए अपने साथ 10 मेंबर्स लेके कानूनी तौर पे आईन में इसकी गुंजाइश है बिल्कुल हो सकता है लेकिन देखें दिट इट लुक वेरी इरेशनल और वेरी इलॉजिकल बात लग रही है कि आप अपनी चीफ मिनिस्टरशिप उसके लिए कुर्बान कर रहे हैं मेरा सवाल यह है कि वो चीफ मिनिस्टरशिप तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहेंगे क्या वो चीफ मिनिस्टरशिप रिटेन करते हुए अपनी अपनी पार्टी चेंज कर सकते हैं सपोर्ट बेस के मैं PMLN की तरफ से चीफ मिनिस्टर बन गया हूं PMLN प्लस PMLQ ऐसा कर सकते हैं नहीं नहीं देखे उस नहीं उसके लिए तो जी पूरा प्रोसेस होगा जो आपने देखा है जो उस्मान बुज़दार के लिए फॉलो हुआ जब ऊपर प्राइम मिनिस्टर के लिए फॉलो हुआ तो सारा प्रोसेस होगा जी एक दिन में ये तो नहीं होगा जी मैं पूरी काबीना चेंज कर रहा हूँ ये सारा कुछ कर रहा हूँ ये तो अभी पता लगेगा सारा टाइम आगे जाएगा तो अचानक उनको ख्वाब आता है वो ख्वाब में देखते हैं नहीं एक और भी साथी खबर दी ये तो सिर्फ है सेल परचेज इसके अलावा जो एक उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कोई सेल परचेज नहीं हुई राणा साहब इनको शायद अंदाजा नहीं होगा जो करने वाले हैं वो उनको शायद पता नहीं लग रहा है इससे बढ़ के जो है वो धमकाने का प्रोसेस भी है एक प्रेशर किस्म का जो एक रेज किया जा रहा है एक वो जो ना प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है MPS के अगेंस्ट की हुकूमत गिरने वाली है इट इज हाई टाइम यू चेंज द पोर्ट्स नाउ ये भी एक इंप्रेशन बिल्ड किया जा रहा है बट हैविंग सेड दैट इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है दैट इज द ओनली थिंग इन लोगों को डिटर कर रही है कि हमने इस तरह का काम जो ना कर जाना अब अगर फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग मार्च के लिए खान साहब कॉल देते हैं जो एक मस्त चीज है वो पंजाब गवर्नमेंट है इनको पता है अगर पंजाब गवर्नमेंट हमारी रह गई तो खान साहब को कोई नहीं रोक सकता बमाए अवाम के जो इस्लामाबाद डी चौक पहुंचा इस वजह से ये एक्शन होना ही होना है They have to do it. ये उन्होंने एक्शन करना है अब उसके लिए क्या तरीके का अख्तियार करते हैं कौन कैसे करता है कौन पैसे कितना लगाता है ये बहुत छोटे नट्स एंड बोल्ट है Having said that, long march के लिए पंजाब गवर्नमेंट इनको नजर आ रहा है कि अगर पंजाब गवर्नमेंट हुई तो खान साहब डी चौक पहुंचेंगे एंड 15-20 हजार नहीं माइनस सिग्निफिकेंस इस पाकिस्तान में मुझे समझ नहीं आ रहा ये 1500 बंदे बैठे थे किसानों इनकी क्या सिग्निफिकेंस थी
व्हाट वाज सेड, इट इज द इंपॉर्टेंट, एक इशू है उसके लिए आवाम उठते हैं, वो अपना पॉइंट लेके आते हैं। एंड डू यू थिंक कि अगर डी चौक में 4-5 लाख आदमी आएगा और वो कहे कि हम इस हुकूमत को नहीं मानते, हमारे मौशी हालात को हम सपोर्ट नहीं कर रहे, हम इनके साथ नहीं रहना चाहते, ये चोरी करके मैंडेट आए बैठे, इनके पास एथिकली लीगली तो एथिकल क्या मैंडेट रहेगा हुकूमत में रहने का? दिस इज वांट टू शूट टू द वर्ल्ड। उसका काउंटर आर्गुमेंट ये है कि मौलाना ये कहते हैं कि भाई मैं भी 1,15,000 ला सकता हूँ, कोई और कहता है मैं भी ला सकता हूँ, टीएलपी भी ला सकती है, तो बंदे लाने से हुकूमत खत्म होने का तसव्वुर जो है बहुत अजीब। की जो कल्ट फॉलोइंग है उसका इस तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं था, ये जो लोग आएंगे ये कल्ट फॉलोअर्स नहीं है इमरान खान साहब किसी एक मजहबी लीडर, नो नॉट एट ऑल। देखिए वो पॉपुलर एक है, खान साहब ने जो नजरिया जो नैरेटिव बात की है लोगों को वो हकीकी आजादी का, कि ये जो गुलामी है कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान में 70 साल से, इसको भी गिरा दो, इस हुकूमत को गिरा दो, उसको ले आओ, ये खत्म होना चाहिए। अल्टीमेटली आवाम की चॉइस है कि उन्होंने किसको लेके आना है। इस वक्त शायद अरबाब इकदार को समझ लग रहा है कि खान साहब ने दो तिहाई की तरफ, इसके अंदर एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। पंजाब की आबादी होगी 11-12 करोड़ कम से कम, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा की 5 करोड़ की आबादी, दोनों जगह आपकी हुकूमतें हैं, ठीक है। अब मतलब कोई भी जिसकी हुकूमतें होंगी वो अगर उसको फ्री हैंड मिल जाए तो वो 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख बंदे जो है बसों ट्रकों में भर के ला सकता है इस्लामाबाद में। लेकिन हुकूमत इस्लामाबाद की बिल्डिंग्स में थोड़ा है, हुकूमत तो एक सिस्टम के अंदर है, उसकी कानूनी हैसियत है। आप हुकूमत गिराने आ रहे हैं या सिर्फ एक मुतालबा करने आ रहे हैं? अच्छा देखिए देखिए उसकी अपनी कॉन्टेक्स्ट, जब इलेक्शन की डेट मान, जब सिंध गवर्नमेंट के पास ताकत थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ डी चौक पे आए थे, हमने नहीं रोका था, डी चौक पे आके खिताब भी किया था और रातों रात आधे पौने घंटे के बाद वो थक के वापस चला गया था। पॉइंट क्या था कि उसके पीछे वो अवामी फोर्स नहीं थी जो साथ वो किराए के लोग लेके आए, किराए की वैगन लेके आए थे, या तो आप कह रहे हैं किराए के थे, वो यकीन जानिए डॉक्टर साहब मैं तो अब ये सोच रहा हूं, मुझे खान साहब ने कहा ये बताओ अंदाजा कि मुझे पीपल्स पार्टी के लीडर मिले थे, वो कहने लगे कि बिलावल भुट्टो जीनियस है, मैंने कहा कैसे, सब कहे जीनियस नजर आता है देखने में। अच्छा नहीं मैं ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक के बाद बात करता हूं, ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाजी वेलकम बैक। नाजी लीगल इश्यूज की तरफ चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं सेनेटर साहब के साथ इसको समेट लूं पिछली डिस्कशन को। क्राउड ला के हुकूमत नहीं आप बदल सकते, इस पे तो एग्री करते हैं आप, के कहते हैं कि हम अपनी पॉपुलैरिटी दिखा के दुनिया के सामने ये डिमांड रखना चाहते हैं कि हम हमें एक अर्ली इलेक्शन की डेट चाहिए, वो आपको डेट दे देते हैं बाद में मुकर जाते हैं, कहते हैं नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर आपको दे देते हैं, कहते हैं हमने 25 मार्च को करा देंगे इलेक्शन, लेकिन बाद में कहते हैं अब कुछ जलजला आ गया, फ्लड आ गया, नहीं हो सकता। देखिए किसी भी ज़ीशूर इंसान के लिए टेम्परेचर को गेज करने के लिए 2-3 इंडिकेशन है, आप बाय इलेक्शन करा के देख लें आपको अंदाजा आ जाएगा पॉपुलरिटी खत्म होगी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हम इस्लामाबाद में 2-4-5 लाख लोग ले आते हैं और पॉपुलर डिमांड खुद आते हैं, ये नहीं कि हम उनको लेके आ जाते, और वो यहाँ के कहते हैं कि जी आप इलेक्शन कराएं, हाउ कैन यू रेजिस्ट इट, आप कैसे कह सकते हैं? पॉपुलैरिटी ये है कि अवाम हमारे साथ खड़े हैं, इनके साथ कौन खड़ा है, दैट इज द क्वेश्चन। वो ये कहते हैं कि असेंबली के अंदर हमारे पास नंबर्स हैं, हमारे पास ये मस्त है, दुनिया आप असेंबली में नंबर अपने करें, दुनिया में जहां कभी, और डॉक्टर ये आज की बात आप पूरी मतलब कहीं भी जाके देख ले, दुनिया में जब कभी लोग प्रोटेस्ट करके बाहर निकलते हैं तो वो जब हुक्मरान बैठे होते हैं दे लिसन टू द पीपल, के लोगों की इस वक्त नब्ज कहां पे चल रही है, इफ द पीपल वांट इलेक्शन वो कहते हैं यार ठीक है आओ इलेक्शन करा, और इसमें बुरी डिमांड है क्या? हम कौन सा कह रहे हैं कि आप हमें प्लेट में रखे हुकूमत दे दें, हम यही कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के देख लें, अगर मैंडेट तो 5 ईयर्स ऑल टूगेदर। और दूसरे सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, अगर इस गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को इसी हालात में चलने दिया गया तो गवर्नेंस तो इस वक्त पाकिस्तान में है ही नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही जो एक वो अपनी जो हुकूमत का एक तवालत है उसी को कर रहे हैं ना। आप अभी मरियम के केसेस की बात अभी बाद में करेंगे, पिछले 5 महीने ने इस गवर्नमेंट में अचीव क्या किया, इकॉनमी के हवाले से कुछ नहीं, गवर्नेंस के हवाले से कुछ, इलेक्शन की डिमांड से क्यों इतना डरते हैं आप? अच्छा मैं आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस, देखें 2-3 चीजें, इनको एक तो खौफ है मीशत ना ठीक हो जाए, मीशत ठीक हो रही है, अभी दार साहब ने कहा डॉलर 200 से नीचे इंशाल्लाह ताला आ जाएगा, दूसरा महंगाई की कमर टूटने जा रही है तो मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया, गंद इनका था हम साफ कर रहे हैं। देखें ये बड़ी ज़रूरी बात और जो आपने सवाल किए बड़े प्रिटेंडेंट हैं, इस वजह से कि ये इनको रोकना बहुत ज़रूरी है कि अवामी फोर्स ये समझते हैं कि ये ले आएंगे और ये समझते हैं कि ये पॉपुलर हैं तो ये 1,00,000 ले आए, वैसे तो जिस तरह राणा सनाउल्ला ने कहा कि 10-15,000 होगा, ये मिसाल के तौर पर 5 लाख बंदा ले आते हैं, तो इसका मतलब है 5 लाख बंदा जो है वो 22 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या जो MNAs वहाँ बैठे हैं वो 2-2, 3-3 लाख लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है एक MNA, और अगर मेजॉरिटी MNAs जो हैं वो गवर्नमेंट के अंदर हैं तो क्या वो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे? क्या ये प्रेसिडेंट अगर मिसाल के तौर पर ये लाते हैं 5 लाख और हुकूमत गिर जाती है
तो क्या ये कह रहे हैं हम हुकूमत को नहीं गिराना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम अपने इलेक्शन की डेट दे, चले इसी को एग्री करने, वो क्यों नहीं देते? चले इलेक्शन की डेट वो कहते हैं, ये कहते हैं 5 लाख मिसाल के तौर पर बंदा ले आए, वैसे तो नहीं आएगा लेकिन ले आए, और ये कहते हैं कि जी इलेक्शन की डेट दो, और हुकूमत डेट दे देती है इलेक्शन की इनसे घबरा के। तो क्या जब ये हुकूमत में इनको लगता है अगले इलेक्शन के बाद ये आ जाएंगे तो हम 5 लाख बंदा लेके आ जाएंगे, फिर क्या ये दोबारा इलेक्शन की डेट दे देंगे? तो ये बड़ा जरूरी है कि यू कैन नॉट अलाउ दिस इन दिस सिस्टम। ऐसे नहीं हो सकता कि आप ख्वाहिशात के ऊपर, आप अपनी एक एक कंस्पिरेसी थ्योरी के ऊपर, जो कि साबित होगी उस ऑडियो लीक से कि इनकी जो हकीकी आज़ादी और आलमी साजिश थी वो कितनी बोगस थी और कितना बड़ा वो प्रोपोगंडा था, उस पर कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन आप कोई भी नहीं, एक मिनट, आप कोई भी बहाना बना के, कोई भी एलिगेशन लगा के आप कहें कि हम बंदे लेके आ रहे हैं और आप इलेक्शन कराएं, तो क्या इससे निजाम चलेगा? क्या आगे हम ये इसका क्विकली जवाब दे, सिंपल से, अगर फॉर एग्जांपल इनको ऐसे ही चलना दिया जाए, डू यू थिंक निजाम चलेगा, इकॉनमी चलेगी, अवाम की जिंदगी? डॉक्टर साहब एक और सवाल, दस महीने की हुकूमत रहेगी, ये मुझे बताएं, हम कहते हैं जी हम 2 महीने पहले इलेक्शन करा लेते हैं, उससे आपको क्या मिलेगा? अनसर्टेनिटी इस वक्त ऐसी है कि दुनिया के जो मेन फाइनेंशियल पावर्स हैं वो आप पे ट्रस्ट करने को एतबार नहीं, ये गवर्नमेंट क्योंकि चलने वाली नहीं है, इसलिए इनके साथ कोई बार्गेनिंग ना किया जाए, क्योंकि इनके साथ जो कमिटमेंट है वो आगे नहीं चल सकेगी। IMF आपके साथ एंगेज है, वर्ल्ड बैंक एंगेज है, ADB एंगेज है, दुनिया अभी UN ने सवाल कर पूछा था, दुनिया ने 900 वो कहते हैं कि जो $32 बिलियन की PML वाले बात करते हैं, ये तो कर्जा ले रहे हैं आप, ये कर्जा उतारना होगा, इसका मजीद इंस्टॉलमेंट्स और इंटरेस्ट होंगे। तो जब आप फिस्कल, जब आप करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के जो आप गए 18 अरब का, और जिस तरह 17.5-18 अरब का छोड़ के गए ना, तो तब लेने आपको तब भी लेने पड़े, और जो आपका बैकलॉग चल रहा है आपको वो उसके लिए तो चलाना है, मुल्क तो चलाना है, इनके पास नहीं, आपने देखें फंडामेंटल चेंजेस तो आपने करनी है, लेकिन अभी के लिए तो यू हैव टू डू दिस, ये भी यही करेंगे अगर ये आ जाएंगे, इसके अलावा तो कोई सलूशन, इन्होंने ये जो किया, इन्होंने तो 20,000 अरब का कर्जा लिया ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ा जो कि 74 ईयर्स। अच्छा मैं वापस नियाज़ी साहब आपकी तरफ आता हूँ, हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि कमेटी बैठाई जाए, जिस पर लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी हैं, और ये कमेटी जो है वो देखेगी कि ये जो साइफर चोरी हो गया है और जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो ऑडियो लीक्स है, ये किस किस्म का मामला है? ये आपको क्या समझ आती है कि साइफर की तो कॉपीज एग्जिस्ट करती हैं, उसकी मास्टर कॉपी फॉरेन ऑफिस में पड़ी है, एक कॉपी आर्मी चीफ, एक कॉपी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ के पास, एक फॉरेन सेक्रेटरी, एक फॉरेन मिनिस्टर, एक चीफ जस्टिस के पास भी है, एक तो ये इसका क्या मतलब है? देखेंगे जब कोई भी डॉक्यूमेंट होता है मोहित साहब, इधर इट्स डिक्लेयर्ड एज कॉन्फिडेंशियल और इधर इट इज नॉट डिक्लेयर्ड एज कॉन्फिडेंशियल, और उसको उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है उसको रिमूव भी किया जा सकता है, मिनिस्टर इंचार्ज भी कर सकता है, कैबिनेट भी कर सकता है, लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंशियल है, इट्स अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट, और वो लीक हो जाता है तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर फिर आप उसको प्रोसिक्यूट करते हैं। अब ये जो कमेटी बनाई गई है, अगर वो अपनी फॉर एग्जाम्पल कोई फाइंडिंग्स देती है, रिकमेंडेशंस देती है, तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, वो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी। अगर आपने इन्वेस्टिगेट करना है, प्रोसिक्यूट करना है उसकी बेसिस पे, देन यू हैव द लॉ, फिर आपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के थ्रू जो उसके नीचे FIR होती है, प्रॉपर प्रोसिक्यूशन। लेकिन नेल साहब, वहां तो कैबिनेट ने जब ये डॉक्यूमेंट लहराया गया 27 मार्च को, तो उसके अगले कोई 2-3 दिन के अंदर अंदर कैबिनेट ने इसको डीक्लासीफाई कर दिया था, बिकॉज पहले कहा गया कि 10 सेलेक्टिव जर्नलिस्ट को उनको पढ़ के सुनाया जाएगा, फिर लॉ कमेटी ने कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कि आप नहीं सुना सकते, नहीं बता सकते, नहीं दिखा सकते जब तक ये डीक्लासीफाई नहीं होगा। फिर उसको एक दिन लगा, 24 घंटे के बाद उसको डीक्लासीफाई किया गया, और उसके बाद उसके महज उसको पढ़ के सुनाया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, तो वो तो डीक्लासीफाई हो चुका है। कल मैंने इमरान खान साहब से पूछा भी था इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि वो डॉक्यूमेंट तो डीक्लासीफाई हो चुका है। देखें, वही मैं कह रहा हूँ मोहित साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर इस पे ऑफेंस बनता है, मैं कह रहा हूँ अगर करना है तो तरीकाकार वहां पे है, और जहां तक इसी क्लासिफिकेशन डीक्लासिफिकेशन की बात है मोहित साहब, इस पाकिस्तान, इस मुल्क के मेरे ख्याल से 22 करोड़ आवाम को सारे कॉन्टेंट्स पता है उस मरासले में क्या लिखा हुआ था, तो इट्स ऑलरेडी इन द पब्लिक, एवरीवन नोज उसमें क्या रिटर्न था क्या नहीं था। हाँ, अगर नहीं देखा किसी ने तो वो सामने से नहीं देखा, अगर आपने प्योर उसको स्ट्रिक्टो सेंसो उसकी प्रोसिक्यूशन करनी है फिर तो तब करते जब इस वक्त उसकी जो अंदर इंफॉर्मेशन थी वो सारी आउट हो गई थी। अब तो उसमें मेरे ख्याल से अगर आप उसको प्रोसिक्यूट कर रहे कि आपने ऑफिशियल सीक्रेट या इंफॉर्मेशन लीक किया, तो मेरे ख्याल से बड़ी रिडंडेंट एक्सरसाइज होगी। इट्स ऑलरेडी इन द पब्लिक फॉर द पास्ट 3-4 मंथ्स,
जब से वो इंफॉर्मेशन उसके कंटेंट्स आउटसाइड आ गए बाय अच्छा रण साहब लेकिन पहले ठीक है मेरे साथ रहे रण साहब पहले कई महीने तक शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और आपकी पार्टी ये कहती रही मेरे साथ रहे नया साहब कि ये डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता इस तरह से ये एक्सप्लॉइट किया अब आप लोग कह रहे हैं ये चोरी हो गया तो फिर इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि बड़ी सीरियस किस्म की चीज थी जो चोरी हो गई नहीं देखिए साइफर क्या होता है साइफर जो है साइफर तो बेसिकली एन्क्रिप्शन का नाम एन्क्रिप्शन का नाम है जो एम्बेसडर्स आपके जो फॉरेन ऑफिसर्स हैं जो हुकूमत पाकिस्तान के वो कम्युनिकेट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लेकिन वो इनक्रिप्टेड मैसेज होता है और फिर वो डी इनक्रिप्ट होता है यानी कि वो उसको ट्रांसलेट किया जाता है नहीं परेशानी मैं आपको बताता हूँ इसकी सीरियसनेस क्या है सीरियसनेस ये है कि अगर वो हूबहू उसकी ट्रांसलेशन किसी आपके दुश्मन के हाथ लग जाए तो सारे पाकिस्तान को पता है कि नहीं 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 आप दिस नीड्स टू बी हर्ड कि अगर वो किसी दुश्मन के हाथ में लग जाए तो जो वो कोड है या जो जो इनक्रिप्शन का मेथड है वो कैसे पता चलेगा वो पता चल जाएगा ना कि जो इनक्रिप्शन है वो किस तरीके से ट्रांसलेट होती है और जितनी पहले कम्युनिकेशन होती रही है एम्बेसीज की पाकिस्तानी हुकूमत के साथ वो भी डी इनक्रिप्ट हो जाएगी जब तक वो नहीं चेंज हुआ तब तक की जो कम्युनिकेशन है वो सारी जो है अगर दुश्मन के हाथ में है वो लीक हो जाएगी दिस इज सो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं जिससे इस कौम का मुस्तकबिल अटैच्ड है उसका सिर्फ एक कोड चेंज होना ना चेंज होना बहुत मैटर कर रहा है और पूरे पाकिस्तान की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक है पड़ी जिसको आप कॉन्स्पिरेसी कहते हैं कि अमेरिकन साजिश के तहत यहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो मैटर नहीं करती नहीं, उसका कोड चेंज करना मैटर कर रहा है जो चीज मैटर करती है वो ये है कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट गायब नहीं होना चाहिए आप ये कह रहे हैं कि एंबेसडर का मैसेज एग्जिस्ट करता है उसमें थ्रेट एग्जिस्ट करती है उसमें मुल्क का ना सिर्फ कोड का इशू था लेट मी रिस्पोंड टू दैट देखिए साइफर तो एग्जिस्ट करता है साइफर के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन है जो आपके अभी एग्जिस्ट करती है कोई थ्रेट नहीं है कोई थ्रेट नहीं है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के वाले से नहीं है No conspiracy तो सारी पब्लिक को पढ़ा दे वैसे तो इन्होंने देखे आधा तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसकी सीरियसनेस मैंने आपको बता दी कि फिर सीरियसनेस कैसे हुई जब वो लव लेटर है नहीं 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 कोई भी साइफर यू कैन नॉट मेक एनी साइफर पब्लिक अगर अच्छा। वो साइफर किसी भी साइफर को वो सीरियस है या वो नॉन सीरियस है कोड छुपा के पब्लिक कर दे सारी कम्युनिकेशन जो होती है जो आती है चाहे वो लंदन की आपका हाई कमीशन भेजे वो तो सारी सीरियस ही होती है क्योंकि आप ये सीरियस है ये जो साइफर आया अमेरिका से कंस्पिरेसी नहीं है लेकिन सीरियस है वो सारे साइफर सीरियस होते हैं सारे साइफर में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है सीरियस क्या चीज है जिसको आप छुपाना चाह रहे हैं एवरीथिंग ऑफिशियल बिजनेस इज सीरियस मजीद बात करते हैं कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे कन्वे कौन करता है आफ्टर द ब्रेक वेलकम बैक लीगल इश्यूज हमारे रह ही गए मैं सीधा चलता हूँ जनाब एडवोकेट अबूजर जनाब सलमान न्याजी साहब की तरफ सर दो चीज़ें आज हमारे सामने आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक तो फैसल वाडा की पिटिशन जो है लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ उसे सुनते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह ऑब्जर्वेशन और कॉमेंट दिए कि आर्टिकल 62(1)(f) ज़ालिमाना है ये बड़ा सख्त है और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि PTI की जो पिटिशन है नैप अमेंडमेंट कानून के खिलाफ उस पर डेली रोजाना की हियरिंग का फैसला हुआ इन दोनों डेवलपमेंट्स को आप कैसे देखते हैं देखें मुझ से पहले तो हम 62(1)(f) पे आ जाएं देखें 62(1)(f) बेसिकली आपको बताता है क्वालिफिकेशन कि अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास होगी या नहीं होगी तो यू कैन नॉट एंटर द पार्लियामेंट जैसे एज लिमिट बताते हैं सेनेटर की MNA के लिए बताते हैं फिर ड्यूअल नेशनैलिटी की बात करते हैं और साथ 1F में लिखा हुआ है 62 के अंदर ही कि अगर आपके पास के खिलाफ एक कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिस्डिक्शन की डिक्लेरेशन है कि आप सादिक और अमीन नहीं है तो यू कैन नॉट एंटर द पार्लियामेंट अब उसमें टाइम लिमिट नहीं प्रोवाइडेड अब इसकी इंटरप्रिटेशन हमारे एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने खुद ही समीउल्लाह बलोच के केस में की थी 5-member बेंच की जजमेंट है जो ये कहती है कि क्योंकि जब तक कोर्ट की डिग्री या जजमेंट इन फील्ड रहती है कि यू आर नॉट सादिक इन द मीन तब तक आप उस पार्लियामेंट में एंटर नहीं कर सकते हाँ ये कानून ये है इंटरप्रिटेशन ये है लेकिन अगर आप से ये बात करें कि ये ड्रेकोनियन है कि नहीं है ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी आई टोटली एग्री कि ये है लेकिन इसमें कोर्ट की कोई गलती नहीं है आपने कानून ऐसा बनाया आईन में हाँ अगर आप चाहते हैं तो इसको अमेंड कर ले विद 2/3 मेजोरिटी और कानून को वाजिया कर देंगे जी कितनी अच्छा ये बात इंटरेस्टिंग आप बात कर रहे हैं न्याजी साहब ये बात इंटरेस्टिंग आपने बात की है आपने आपने फर्क कर दिया है ऑब्जर्वेशन में और जो एक लीगल कंक्रीट रियलिटी है तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन है
इसका ये मतलब नहीं निकाला जा सकता कि वो ये कह रहे हैं कि इसे यानी कोर्ट ये फैसला नहीं कर सकती कि लाइफ बैन नहीं होना चाहिए बिकॉज वो और प्रिंसिपल से गवर्न हो रहा है. एम आई राइट इन अंडरस्टैंडिंग यू सर? देखिए, 5-member बेंच की जजमेंट है. अगर इसको जो कोर्ट की रूलिंग ये कहती है, अगर आपने इसको खत्म करना है, देखें कोर्ट कभी भी जो गैप्स है उनको फिल नहीं कर सकती. कोर्ट अपनी मर्जी से 5 साल ऐड नहीं कर सकती आइन के अंदर या 10 साल ऐड नहीं कर सकती. हाँ, अगर आपने इसको चेंज करना है, मेरे ख्याल से होना भी चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल को ये वॉयलेट करता है कि इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए. आप इसको आइन में तरमीम करके 5 साल कर दे, 10 साल कर दे, 2 साल कर दे, आई डोंट हैव एन इशू विद इट. लेकिन कोर्ट खुद इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती. ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद से ये फैसला नहीं करेगी कर सकती बल्कि इसको वापस पार्लियामेंट को, नेशनल असेंबली को रेफर करेगी. इज दिस व्हाट यू सेइंग? देखे मुईद साहब, एज इट इज जो 62(1)(f) है उसमें क्लियर पता लगता है ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है. यही 5-member बेंच ने कहा हुआ है. और अगर आप चाहते हैं इसमें ये खत्म हो लाइफ टाइम, तो देन द पार्लियामेंट इज द फोरम, नॉट द सुप्रीम कोर्ट. पार्लियामेंट ही बताएगा कि कितने साल का करना है. सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से साल इसमें ऐड नहीं कर सकती. 5 साल, 2 साल, 10 साल, सुप्रीम कोर्ट हैज नो पावर टू डू इट. ये चीफ जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशन है. हाँ, अगर 10-member बेंच करने को चाहे तो कर तो सकता है कल को 5-member से ऊपर वाला बेंच, लेकिन मेरे ख्याल से ये सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा स्टेप नहीं लेगी कि एक खुद ही आइन में तरमीम करके एक नए साल ऐड कर दे, 5 साल कर दे, 10 साल कर दे. आई डोंट सी दैट सुप्रीम कोर्ट विल गो टू दैट एक्सटेंट कि वो इसको चेंज ही कर दे पूरा. अच्छा, पूरा. अच्छा, रुक जाए मेरे पास 1-2 मिनट रह गए. राणा साहब, मुझे किसी ने ये बताया था कुछ अर्सा पहले जुलाई के आखिर में कि इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई होना होगा, फिर दोनों ही डिस्क्वालीफाई होकर जाएंगे नेशनल असेंबली के सामने, फिर नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन भी वहां से खत्म करानी होगी और यूं मामला आगे चलेंगे. कुछ इस तरफ जा रही है डायरेक्शन? देखिए, मुझे तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कमेंड सुप्रीम कोर्ट के वो बड़े परसेप्टिव हैं पीटीआई की पिटिशंस के ऊपर और ये नैब की सुनवाई भी जो है वो लग गई सेट किया जा रहा है. और नहीं, यहाँ फैसल वाडा की भी बात सुननी गई. वाडा तो बेचारे यूज हो रहे हैं कवर में. लेकिन फैसल वाडा कहते मुराद अली शाह, सादिया अब्बासी, हारून अख्तर और नुसरत सादिक की भी वही केस है जो फैसल वाडा का, उनको सजा नहीं मिली. हाँ नहीं, बिल्कुल. देखें, ये तो जो लीगल एस्पेक्ट है वो आपके पास आ गया कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई जो है वो तशरीह पहले ही हो चुकी है. जो 5-member बेंच ने जो जजमेंट दी तो इट विल स्टिक. और उसकी जो है वो 63A के ऊपर भी जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह, इमरान खान ने डिस्क्वालीफाई होकर यही आना है नवाज शरीफ के साथ कि नहीं आना? नहीं, देखें बात दोनों की खत्म हो जाए डिस्क्वालीफाई. देखें, बात यह कि 62(1)(f) ड्रैकोनियन है या नहीं है. यहां सबसे पहले तो कमजोरी है पार्लियामेंट की, पॉलिटिशियंस की, कि उन्होंने ये जो लूप्स जो है वो छोड़े हुए हैं, गैप्स छोड़े हुए हैं, वो मिलकर इन चीजों को कवर नहीं कर सके कि ये सुप्रीम कोर्ट को तशरीह करना पड़ता है. ड्रैकोनियन है, बिल्कुल है, चेंज होना चाहिए. मिलके अगर सियासतदान में इतना शुरू हो, आपस में कोऑर्डिनेशन हो जो अपोजिशन गवर्नमेंट की होनी चाहिए, तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर तो वैसे ही जो है वो कार्रवाई कर लेनी चाहिए. देखें, ये जो आप जो बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर जो जितनी लाइन लगी हुई है केसेस की, मेरे ख्याल से वो वैसे ही फारिग हो जाएंगे, वो बच नहीं पाएंगे. तोशाखाना है, फिर उसमें फॉरेन फंडिंग है, फिर अब ये जो कंस्पिरेसी आ गई है जो उन्होंने ये ऑडियो लीक्स के अंदर की है या आलमी साजिश की, तो वो ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो. तो हमें ये कोई वो हमारी ये ख्वाहिश नहीं है कि वो है. मैं सुन रहा था मरीम नवाज साहब को कह रही थी कि ये अपार्टमेंट्स जो थे नवाज शरीफ साहब के नहीं थे, वैसे रहते वो उधर ही है, ये हैं किसके अपार्टमेंट्स? देखिए, उनके बेटों के हैं, वो वहाँ वो रिहाइश पजीर हैं और उनके नाम पे मेरा ख्याल है कि उनके नाम पे हैं. और उनके नाम पे आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर. कंपनी जो है, जो नीलसन कंपनी, जो ऑफशोर कंपनी है, मरियम नवाज शरीफ उसकी ट्रस्टी हैं और ये हुसैन नवाज की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है. बिल्कुल, तो वो जो वो कह रही मैं ओनर नहीं हूँ, मैं ट्रस्टी वो ट्रस्टी ये बिल्कुल. तो कहने का मतलब ये कि वो जो उसका जो मनी ट्रेल है वो भी उन्होंने दिया गल्फ स्टील मिल के, साबित नहीं हो रहा कि किसके नहीं, तो बता दिया ना आपको किसके. तो अदालत में तो नहीं साबित हो सका. नहीं, अदालत में ये केस ही नहीं था. केस तो ये था कि वो नवाज शरीफ के हैं या वो मरियम नवाज के हैं. वो केस में ये था कि जो नवाज शरीफ 1993 में जो पैसे लेके गए थे इन फ्लैट्स के लिए, उसमें मरियम नवाज शरीफ ने अपने वालिद को असिस्ट नहीं किया पैसे चोरी करके. वक्त खत्म हो गया. आइए, तमाम हमारे गेस्ट का बहुत शुक्रिया. इस प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा था कि शेक्सपियर ने 16वीं सदी में पाकिस्तान का नक्शा डिस्क्राइब किया जब उन्होंने प्ले लिखा मच अडू अबाउट नथिंग. थैंक यू सो मच.